नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल सुनील जोशी जी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे एजुकेशनल चैनल में आप लोगों को एजुकेशन संबंधित डिफरेंट वीडियोस आप लोगों के कमेंट के आधार पर मैं बनाता हूं। तो आप लोगों ने इंग्लिश कैडरे पंजाब स्टेट में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आप लोगों ने बोला था, 60 क्वेश्चन में आप लोगों को बता चुका था कि किस तरह का पेपर आता है वो। अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो प्रीवियस के जितने क्वेश्चंस हैं मैंने 60 करा चुका हूँ, उससे आगे क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ। सिलेबस भी मैंने इसमें अपलोड किया हुआ है तो वो भी देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट्स ओडे टू नाइटिंगल टेक्स एज इट्स सब्जेक्ट्स द फुल थ्रोटेड कीज ऑफ द सिंगिंग ऑफ द नाइटिंगल एंड इट्स कॉन्स्टेंस विद द। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो एक नाइटिंगल जो सब्जेक्ट है, ठीक है, ये फ्लोरेंस नाइटिंगल से संबंधित क्वेश्चन है, इसमें जो सिंगिंग है उनके किस से जो है किसके विपरीत है, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोग तो लिटरेचर पढ़ते ही हैं तो इसका आंसर आप सीधे सीधे बता देंगे। इसका राइट आंसर है एकिंग नंबर्स ऑफ द ह्यूमन ऑब्जर्वर। जी हाँ, इसका राइट आंसर फास्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लैरिसा और द हिस्ट्री ऑफ यंग लेडी इज ए नॉवल। तो ये हिस्ट्री ऑफ यंग लेडी काफ़ी फेमस नॉवल है, ये लिखी गई है सैमुअल रिचर्डसन द्वारा। डी, नेक्स्ट है द हिस्टोरी ऑफ सर चार्ल्स ग्रैंडिसन इज ए नॉवल बाय। तो ये भी जो नॉवल है ये भी जो है सैमुअल रिचर्डसन द्वारा लिखी गई है, काफ़ी फेमस ये नॉवल है। नेक्स्ट है पॉप्स एंड एसे ऑन मैन एक्सप्लोर द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बींग टू नेचर क्रिएचर टू क्रिएचर एंड क्रिएचर टू क्रिएचर थ्रो। तो ये इसका आंसर थ्रो डेस्टिनी। जी हाँ, इसका आंसर है डेस्टिनी है या परसेवी न्यूटन यूनिवर्सिटी है, तो आप बताइए इसका सही उत्तर। राइट आंसर इसका बिल्कुल सही, आपने पहचाना अ परवेसिव ऑफ न्यूटनियन यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्स। नेक्स्ट है एडवर्ड सेकेंड इज अ प्ले बाय। तो एडवर्ड सेकेंड जो प्ले है वो है इसका राइट आंसर, विलियम शेक्सपियर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिल्टन्स एरोपे सिटिका आर्ग्यूज फॉर। तो न्यूटन की जो एरोपे सिटिका है वो किसके लिए आर्ग्यूमेंट है एक। तो इसका राइट आंसर है 12th या एक्स सेकेंड बुक्स, ठीक है। नेक्स्ट है Alexander Pope wrote the epitaph for a man of science. Who was he? ठीक है, एक epitaph लिखा गया साइंस के लिए, तो कौन थे, किसके लिए लिखा था। इसका राइट आंसर है न्यूटन। नेक्स्ट है Swift's A Table of a Tub is a story of three brothers. They represent. तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रोमन कैथोलिज्म भी इसमें है, एंग्लिस में भी है और कैल्विनिस्टिक डिसेंट भी इसमें है। तो ऑल द अबव इज द राइट आंसर, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम हीरो एंड द लियंडर। इसके ऑथर हैं आपका मालोव, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लासिकल अथॉरिटी द पोएट टर्न टू वाइल राइटिंग द पोएम हीरो एंड लियंडर। तो किस क्लासिकल अथॉरिटी के बारे में उसने ये बताया है। राइट आंसर है इसका बी, ओविड। ओविड जो क्लासिकल अथॉरिटी है उसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क बाय बेन जेनसन। बेन जेनसन के द्वारा ये काम नहीं किया गया है। तो उन्होंने वाइल पॉन की बात करें, वॉल पॉन की बात करें, ऑल्स वेल द एंड्स वेल भी लिखा गया है, द एल्केमिस्ट लिखा गया है, लेकिन इन्होंने जो है बर्थ वॉल मियो ये नहीं लिखा गया। तो हमारा राइट आंसर डी ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नॉट पूछा गया, हमसे नहीं पूछा गया। नेक्स्ट है वर्ड वॉर्स स्टार्टेड राइटिंग द प्रील्यूड इन 1799 बट व्हेन वाज इट पब्लिश्ड। तो कि पब्लिश कब हुआ गया है, ठीक है, 1799 में इन्होंने जो है ये लिखा था लेकिन पब्लिश कब हुआ, तो पब्लिश ये हो गया था हुआ आपका 1850 में पब्लिश हो पाया था, ठीक है, काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद आप कह सकते हैं, एक तरह से पूरे 51 ईयर्स के बाद। नेक्स्ट है वर्ड वॉर्स डिज नॉट राइट द प्रील्यूड अंडर द सेम टाइटल, देन हु गेव दिस टाइटल टू द ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। उसने खुद नहीं लिखा था ये चीज़ें, ठीक है, सेम टाइटल में ये नहीं लिखा गया था, लेकिन किसने वो दिया गया था।
तो ये दिया गया था उनकी वाइफ के द्वारा। जी हाँ, इज वाइफ, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु अमंग्स द इंग्लिश लिटरेरी फिगर क्लेम टू हैव ब्रॉट फिलोसॉफी आउट ऑफ क्लोजेस्ट एंड लाइब्रेरीज टू क्लब्स, टी टेबल्स एंड कॉफी हाउसेस। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका, एडिसन ने ये फिगर आउट किया था। जी हाँ, एडिसन इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ फेलिक्स हॉल्ट, फेलिक्स हॉल्ट के ऑथर कौन है? इसका राइट आंसर है जॉर्ज इलियट। जी हाँ, जॉर्ज इलियट ने ये लिखा हुआ था। नेक्स्ट है, टू हुम इज द सीरीज ऑफ लेक्चर्स एंटाइटल्ड ऑन हीरोज, हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री एट्रिब्यूटेड। तो ये जो हीरोज या हीरोज जितने भी इस नाम से जो लेक्चर्स दिए गए हैं, ये दिए गए हैं आपके थॉमर कैरलाइल द्वारा। जी हाँ, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु अमंग्स द क्रिटिक्स या क्रिटिक्स पॉइंटेड टू इलोसिव स्माइल ऑफ मोनालिसा इन हर और क्रिटिकल वर्क, इन हिज और हर क्रिटिकल वर्क। किसने उसमें जो है एक तरह से कहें कि टिप्पणी की थी, अपने क्रिटिसिज्म दिया था? तो ये आंसर है आपका, राइट आंसर जो है आपका इसका वो है आपका सी, वॉल्टर पीटर द्वारा ये किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, जॉस रस्किन वॉज, तो जॉस रस्किन कौन है? तो राइट आंसर है एन आर्ट क्रिटिक। जी हाँ, ये आर्ट क्रिटिक थे, यानी कि कला में जो अपना क्रिटिसिज्म देते थे। विच फेमस इंडिया डिड जॉन रस्किन इन्फ्लुएंस, जॉन रस्किन को किसने प्रभावित किया था? तो वो थे हमारे मनन्ना अंडर देन महात्मा गांधी जी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरियस एंड एपिक्यूरियन इज ए हिस्टोरिकल नोवेल बाय, तो ये वेल नोन एल्बम है, नोवेल है सॉरी, वॉल्टर पीटर द्वारा। डी इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट है, अनटू दिस लास्ट बाय जस्ट रस्किन इज एन एफर्ट टू, जॉन रस्किन के द्वारा अनटू द लास्ट एक किसका एफर्ट है? तो ये काफ़ी फेमस अनटू दिस लास्ट है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी अपने ग्रेजुएशन लेवल में तो ज़रूर इसको पढ़िए, ये मैं आप लोगों से एक अर्ज करता हूँ। तो ये है, अप्लाई बेसिक क्रिश्चियन वैल्यूज टू ए मैकेनिक अर्बन सिविलाइजेशन। जी हाँ, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द 1817 वर्क द फ्रेंच रिवोल्यूशन इज बाय, फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में बिल्कुल आप लोग जानते होंगे, इंग्लिश के इतने विद्यार्थी हैं, थॉमर कैरलाइल। स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंजेंस इज ए कलेक्शन ऑफ एसेज बाय, तो ये वॉल्टर पीटर ही इसमें भी आता है। इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि लास्ट से पूछे गए हैं, तो आने वाले समय में आपने अच्छे से पढ़ना है इनको। नेक्स्ट है, द फर्स्ट रिकॉग्निशन ऑफ सर वॉल्टर स्कॉट थ्रू हिज वर्क मिनिस्ट्रेसली ऑफ द स्कॉटिश बॉर्डर वॉज एज अ प्ले राइट। जी हाँ, ये एक प्ले राइट था, बिल्कुल ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द क्रिटिक हु सॉ द वर्थ ऑफ इंडिविजुअल टैलेंट ऑफ ए पोएट विद इन द एकम्पसिंग पोएटिंग ट्रेडिशन रनिंग इन टू द एंशिएंट पास्ट। तो आप इस क्रिटिक का नाम सही से बता सकते हैं, ये और कोई नहीं था, टीएस इलियट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉड बॉल इज ए कैरेक्टर, तो गॉड बॉल, तो ये कैरेक्टर है आपका कूली का। जी हाँ, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बिसाइड्स बीइंग अ पोएट डब्ल्यू बी ईस्ट ऑल्सो बिकम फेमस फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू पोएटिक ड्रामा। जी हाँ, ने पोएट्री में भी जो है अपना योगदान दिया था। एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल इज ए क्रिटिकल वर्क बाय ई एम फॉस्टर का। जी हाँ, इनकी पोएम्स अक्सर लोअर क्लासेस में आती हैं। वट इज द सब टाइटल ऑफ थॉमस हार्डी टीज ऑफ टी अरवेल्स, ये दिया गया था आपका प्योर वुमेन के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं चाह रहा था दोस्तों आप लोग बने रहिए मेरे साथ, 100 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लेते हैं, 50 क्वेश्चंस फिर बचेंगे। आपको पता है कि यह जो पेपर होता है 150 मार्क्स का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ इंग्लैंड लाइज इन द बैकग्राउंड ऑफ हार्डीज नोवेल,
जी हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेसेक्स, जी हाँ वेसेक्स एक जो हार्डीज नॉवल है, मेनली इस शहर के बारे में उन्होंने लिखा है, इंग्लैंड का एक शहर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच वर्क ऑफ एंथ्रोपोलॉजी डिड टी एस इलियट यूज फॉर राइटिंग हिज फेमस पोएम द वेस्ट लैंड? द वेस्ट लैंड में उन्होंने क्या लिखा था इसमें? तो उनका जो वर्क था वो था गोल्डन बॉ के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है, थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, अगर कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट्स में पूछिएगा, क्योंकि टाइम पे मैं चाहता हूँ कि लो टाइम में आप लोग ज़्यादा गेन करें। वर्जीनिया वुल्फ इज़ अ पायनियर इज़ द टेक्निक ऑफ, तो ये टेक्निक है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। जी हाँ, ए इज़ द राइट आंसर 93 का। नेक्स्ट है, जेम्स जॉयसी वॉज फ्रॉम, जेम्स जॉयसी कहाँ से थे? तो जेम्स जॉयसी थे आपके आइलैंड से। नेक्स्ट है, साइकोएनालिटिक्स ऑफ द अनकॉन्शियसनेस 1921 एंड फैंटेसिया ऑफ द अनकॉन्शियसनेस 1922 आर टू एसेज बाय, ये किसके एसेज हैं आपने बताना है। तो ये एसेज हैं डी एच लॉरेंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर देखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलियम गोल्डिंग्स लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज सेड, तो विलियम गोल्डिंग्स का जो इस सेट है ये है ऑन डेजर्ट आइसलैंड के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है, एंड गेम इज़ ए प्ले बाय, तो एंड गेम जो प्ले है वो है आपका सैमुअल बेकेट का। एक्साइल्स इज़ ए प्ले, तो एक्साइल्स भी प्ले है जेम्स जॉयसी का। ओके, नेक्स्ट है, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क इज़ ए प्ले बाय, तो ये प्ले है आपका टी एस इलियट का। जी हाँ, नेक्स्ट है, अ रूम ऑफ वन ऑन्स इज वर्क, ये वर्क किसका है? तो ये वर्क है आपका वर्जीनिया वॉल्फ का। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, और बाकी बचे हुए 50 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को जल्दी नेक्स्ट लेसन में अपलोड करूँगा। इसी तरह से मेरे साथ बने रहिएगा यूट्यूब चैनल में, अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और अकेडमी में आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम में भी मैं हूँ, तो आप भी वहाँ पे मुझे जो है बिल्कुल मेरा नाम आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे मेरे को सब्सक्राइब करना है, और वहाँ पे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं आपके लिए। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेसन में।